तो अब हम बात करते हैं थोड़ी सी लिस्ट्स के बारे में। और मैंने एक नई फाइल बनाई है स्टूडेंट्स डॉट पाई के नाम से। एंड लेट्स से कि मैं स्टूडेंट्स के नाम से एक नई लिस्ट डिफाइन करता हूँ। और लिस्ट डिफाइन करने के लिए मैं ये स्क्वेयर ब्रैकेट्स इस्तेमाल करूँगा। और इसके अंदर मैं स्टूडेंट्स के नाम लिख सकता हूँ बतौर स्ट्रिंग्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टूडेंट है साद, एक है इरफान, एक है अली, एक है शाहिद। ठीक है, तो मेरे पास चार स्टूडेंट्स की एक लिस्ट है। जैसे मेरे पास पहले हमने एक इंटीजर्स की लिस्ट बनाई थी 0, 1, 2 वाली, तो इसी तरह अब मैं स्टूडेंट्स की लिस्ट बना रहा हूँ। और मैं चाहूँ तो मैं इस लिस्ट को प्रिंट करवा सकता हूँ। ठीक है, प्रिंट स्टूडेंट्स लिख के अगर मैं करता हूँ तो पाइथन स्टूडेंट्स डॉट पाई। तो अब उसने जिस तरह मैंने वो लिस्ट लिखी थी ऑलमोस्ट एग्जैक्टली वही चीज़ उसने मुझे यहाँ पर भी दिखा दी है। ठीक है, और लेकिन अगर मैं चाहूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं जैसे हमने स्ट्रिंग्स के साथ किया था, तो उसी तरह मैं यहाँ पर स्क्वेयर ब्रैकेट स्टूडेंट्स के आगे इस्तेमाल कर सकता हूँ। और अब लेकिन यहाँ पहले हमने जो स्क्वेयर ब्रैकेट्स इस्तेमाल की थी वो हम लिस्ट डिफाइन करने के लिए कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होगा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं करता हूँ स्टूडेंट्स 0 और फिर मैं कोड को रन करता हूँ, तो इंडेक्स नंबर 0 के ऊपर यानी कि पहला जो आइटम था उसने मुझे वो दिखा दिया है। और इसी तरह अगर मैं इसको चेंज कर लूँ, मैं 1 या 2 या 3 कोई और नंबर लिखूंगा, तो उस इंडेक्स नंबर पे, तो बेसिकली वो क्या कर रहा है कि लिस्ट के जो आइटम्स हैं उनको एक मखसूस नंबर दे रहा है, पहले आइटम को 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। और मैं उस इंडेक्स नंबर के थ्रू वो वाला आइटम निकाल के लाना चाहूँ तो ला सकता हूँ। इसी तरह फिर हमने जब हम स्ट्रिंग्स के साथ मैनिपुलेशन कर रहे थे, तो उस वक्त हमने देखा था कि मैं ये नोटेशन इस्तेमाल कर सकता हूँ मल्टीपल नंबर्स लेकर आने के लिए या मल्टीपल आइटम्स निकाल के लाने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं 1, 2, 3 करता हूँ तो वो मुझे 2 आइटम्स दिखाएगा, इंडेक्स नंबर 1 वाला, इंडेक्स नंबर 2 वाला, और लेकिन इंडेक्स नंबर 3 वाला आइटम वो नहीं दिखाता। इसी तरह अगर मैं लिखता हूँ नंबर 3 से लेकर आगे वाला आइटम मैं खाली छोड़ देता हूँ और फिर इसको कॉल करता हूँ, तो वो मुझे आइटम नंबर 4 दिखा रहा है। अगर मैं 2 से ऑनवर्ड करता हूँ तो वो मुझे आखिरी 2 आइटम्स दिखाता है, यानी कि वो यहाँ पर यानी कि कॉलन से आगे जो खाली जगह है वहाँ पर वो ज्यूम कर लेता है कि जितनी भी एंड तक आइटम्स हैं वो सारे आइटम्स मैंने दिखाने हैं। इसी तरह अगर मैं करता हूँ 0 to 2 खाली से लेकर 2 तक, तो अब वो क्या करता है, वो पहले 2 आइटम्स दिखा रहा है, इंडेक्स नंबर 2 यानी कि तीसरा आइटम वो नहीं दिखा रहा है। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं ये दोनों को खाली छोड़ देता हूँ तो फिर क्या होता है, तो फिर वो सारे आइटम्स दिखा देता है। इसी तरह अगर मैं इंडेक्स नंबर -1 इस्तेमाल करता हूँ तो वो मुझे लास्ट आइटम दिखाएगा, अगर मैं -2 इस्तेमाल करता हूँ तो वो मुझे सेकंड लास्ट आइटम दिखाएगा, और अगर मैं कहता हूँ 2, 2 फॉर एग्जांपल इंडेक्स नंबर 1, 2, -2, तो फिर क्या करता है कि वो यहाँ से शुरू करके यहाँ पर ख़त्म कर देता है, ये नेक्स्ट आइटम मुझे नहीं दिखा रहा। लेकिन अगर मैं इसको करता हूँ 0 से लेकर -2, तो फिर वो क्या करता है कि वो साद और इरफान मुझे दिखा रहा है। ठीक है जी, तो इस तरह से मैं इंडेक्स नंबर के ज़रिए से आइटम्स देख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि फॉर एग्जांपल मैं सारे आइटम्स 1 by 1 डिस्प्ले करूँ एक लाइन में एक, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इस तरह से 0, 1, 2, 3 करके हर आइटम को डिस्प्ले करवा सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे पहले से पता नहीं है कि मेरी लिस्ट के अंदर कितने आइटम्स होंगे, लेट्स से कि मैं कोई डाटा फाइल उठाता हूँ जिसमें 100 स्टूडेंट्स की लिस्ट है या 200 स्टूडेंट्स की लिस्ट है, तो फिर मैं उसको कैसे एक्सेस करूँगा, तो उसके लिए ऑब्वियसली मैं इस्तेमाल करूँगा लूप का। और मैं लूप के लिए क्या करूँगा, फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स यानी कि स्टूडेंट्स वाली लिस्ट में से हर स्टूडेंट के लिए, हर आइटम के लिए। तो सिंटेक्स क्या कर रहा है कि फॉर स्टेटमेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं थोड़े डिफरेंट अंदाज में, फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स। तो उसमें क्या होता है कि अब वो एक एक आइटम मुझे बतौर स्टूडेंट निकाल के देता रहेगा और मैं उस स्टूडेंट को
यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकता हूँ, तो वो आप देखें जब मैं उसे चलाता हूँ तो वो साद, इरफान, अली और शाहिद को वन बाय वन डिस्प्ले करवा रहा है। अगर मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स के बजाय मैं चाहता हूँ कि उनके इंडेक्स नंबर के ज़रिए से मैं इनको एक्सेस करूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा फॉर एग्जांपल आई। और अब यहाँ पर आई जो है वो स्टूडेंट्स के इस तरह से डायरेक्टली नहीं चल सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा रेंज 3, ठीक है, और फिर स्टूडेंट्स के आइटम आई को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रेंज शुरू हो रही है 0, 1, 2, 3 और वो आई यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर मुझे 4 करना पड़ेगा, तो फिर वो 4 आइटम्स मुझे यहाँ पर पूरे डिस्प्ले होते हैं। 4 से मुराद ये है कि 0 से शुरू होगा लेकिन 4 से पहले आकर रुक जाएगा, तो वो 3 पर आकर रुकेगा। तो मेरे पास यहाँ पर 4 आइटम्स ऑलरेडी डिस्प्ले हो रहे हैं। तो अगर मुझे यहाँ पर पता ना हो कि टोटल लेंथ इस आइटम की, इस लिस्ट की कितनी है, फॉर एग्जांपल 100 आइटम्स हैं या 400 आइटम्स हैं, तो मैं एक फंक्शन इस्तेमाल कर सकता हूँ लेन का। लेन क्या करता है, मुझे इस लिस्ट का, अगर मैं इसको एक लिस्ट देता हूँ तो वो मुझे लिस्ट की तादाद रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, तो लेंथ ऑफ स्टूडेंट्स है 4, तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा 4 में, फिर रेंज 4 जो है वो कन्वर्ट होगा 0, 1, 2, 3, 4, और फिर मैं उनको यहाँ पर नंबर वाइज डिस्प्ले करवा सकता हूँ। और यहाँ पर मुझे आई एज एन इंडेक्स लगाने का फायदा ये है कि मैं मिसाल के तौर पर इस तरह कर सकता हूँ कि आई यहाँ पर मैं बतौर इंडेक्स नंबर शो करवाऊंगा, तो मतलब नंबर प्लस एक स्पेस यहाँ पे ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ऐड होगी। हमें पता है कि हम प्रिंट को मल्टीपल आर्गुमेंट्स दे सकते हैं, तो हम दो आर्गुमेंट्स दे रहे हैं, इन दोनों आर्गुमेंट्स को वो जोड़ेगा स्पेस के जरिए से और आगे स्टूडेंट का नाम लाएगा, तो हम वो करके देखते हैं। तो वो 0, 1, 2, 3 कर रहा है, गरचे 0 के साथ अमूमन जब हम रियल वर्ल्ड में गिनती शुरू करते हैं तो वो 0 से शुरू नहीं करते, तो मैं यहाँ पर +1 कर देता हूँ ताकि वो सिर्फ इस वाले आइटम को कन्वर्ट कर दे। और अब जब मैं इसको चलाकर देखता हूँ तो वो 1, 2, 3, 4 करके स्टूडेंट्स को उनकी लिस्ट वहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। अब यहाँ पे ये देखें कि मैं यहाँ पर आई को अंडरस्कोर से डिनोट नहीं कर रहा, ठीक है, पहले हमने क्या किया था, हमने अंडरस्कोर से, गरचे प्रोग्राम चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें, लेकिन अंडरस्कोर से डिनोट क्यों नहीं कर रहा, इसलिए नहीं कर रहा कि ये यहाँ पर आई को एक्चुअली हम यूज़ कर रहे हैं। तो जब यूज़ कर रहे हैं तो बेहतर ये है कि आप इंडेक्स को वहाँ पर उसको कोई ना कोई वेरिएबल को नाम दें बजाय अंडरस्कोर देने के, ताकि क्लियर हो कि ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है।